चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के दूसरे दिन आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे हैं। आज सुबह 5 बजे ही यात्री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइन में लग गए थे। इसी के चलते रजिस्ट्रेशन सेंटर पर दूसरे दिन भी लंबी लाइन लगी है और यहां तक कि यात्रियों का रजिस्ट्रेशन में 8-8 घंटे में नंबर आ रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब जल्द से जल्द या कल से ऋषिकुल मैदान में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शिफ्ट हो रही है और इसको लेकर वहाँ पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर बनाए गए हैं और महिलाओं के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, मगर इसके बाद भी लाइन कम नहीं हो रही है। हरिद्वार में एक धाम के लिए 500 रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है, मगर पहले दिन ही 3756 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। स्वयं ADM और SDM रजिस्ट्रेशन सेंटर की व्यवस्था पर निगाह बनाए हुए हैं। SDM अजयवीर सिंह का कहना है कि जो भी रजिस्ट्रेशन करवाने आएगा सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। संभवतः कल से रजिस्ट्रेशन ऋषिकुल मैदान में होगा, वहां अधिक होंगे, टेंट होगा, कूलर, पानी, पार्किंग आदि की व्यवस्था रहेगी, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। महाराष्ट्र से आए कोंडके का कहना है कि सुबह 5:30 बजे से खड़े हैं, नंबर अभी तक नहीं आया है, परेशानी क्या, खाने को कुछ नहीं है, खड़ा रहने से चक्कर आ रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, सिस्टम स्लो है। क्या व्यवस्था है, जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, स्लॉट छोटा है? ये राई होटल में हमारी रजिस्ट्रेशन की कल काफ़ी लोगों के बढ़ते हुए उत्साह की वजह से काफ़ी भीड़ आई थी। उसके उपरांत हमने व्यवस्थाओं को बढ़ाया है। उसके लिए राई होटल में हमने स्टॉल भी बढ़ाए हैं, शेड की व्यवस्था करी गई है, पानी की व्यवस्था करी है, कूलर पंखे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी तरफ से कोशिश करी जल्दी से जल्दी ऋषिकुल मैदान में एक पूरी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि हमारे स्टॉल्स भी वहाँ 15 से 20 के बीच का प्लान है हमारा लगाने का। वहाँ पर बैठने की जगह भी करेंगे, शेड, पानी और कूलर पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पे स्पेस की दिक्कत नहीं रहेगी। राही होटल में थोड़ा सा स्पेस का क्रंच है, इस वजह से थोड़ा समस्या आ रही है। तो कब से शिफ्ट कर रहे हैं वापस? हमारी कोशिश तो है कि कल से ही हो जाए, बाकी देखिए जल्दी से जल्दी कर रहे हैं। यात्रियों को किस तरह की वहाँ परेशानी नहीं होगी? बड़ा सेट रहेगा, वहाँ पे समस्या नहीं रहेगी, वहाँ पार्किंग का स्पेस भी सफिशेंट मिलेगा, वहाँ पे टॉयलेट्स की व्यवस्था भी कर रहे हैं, यूरिनल्स के लिए भी बोला गया है। और इस मेन इशू क्रंच जो हमारा आ रहा है, वो नंबर ऑफ स्टॉल्स को बढ़ाने की, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से है, वहाँ पे समस्या खत्म हो जाएगी। स्टॉल की जो स्लॉट की समस्या है, 500 का स्लॉट मिला है, उसको कैसे कर पाएंगे, कैसे यात्री बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है? इस बारे में हमारी तरफ से मैसेज तो करा गया है कि भाई अगर लिमिट बढ़ा दी जाएगी तो अच्छा रहेगा, बाकी अभी तो डेट वाइज हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन जैसे जो भी आ रहा है उसको मना नहीं हो रहा, सबका रजिस्ट्रेशन। मुझे लगता है जो पहले दिन रजिस्ट्रेशन हुए 3700 के आसपास हुए थे। जी, कल 3756 के आसपास हुए थे। वैसे तो 500 प्रति धाम के हिसाब से 2000 का था, तो लेकिन ये कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी लोग आ गए थे सभी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा गए। किसी को निराश होकर नहीं जा रहा है? नहीं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि कोई भी निराश या परेशान। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।